दोस्तों कैसे हैं आप सब? यार बता दो यार, कैसे हो यार? मुझसे भी किसी ने नहीं पूछा यार, मैं कैसा हूँ? मैंने तो तुमसे पूछ लिया यार। पता है तुम्हें, मुझे कोरोना हो गया यार। मतलब अभी नहीं हुआ, हो गया 7-8 दिन हो गया यार। लग रहा है आपको मुझे कोरोना हो गया? वेल, अब हो गया था, पता नहीं यार कैसे हो गया। मैं मास्क भी लगाता था, सब जाता था, पता है। मैं कभी भी बाहर जाता था मास्क लगा के जाता था, सैनिटाइजर यूज़ करता था, लेकिन साला पता नहीं वो कहाँ से गया। सही, यही तो मतलब पता है कोरोना का सबसे बड़ा मिस्ट्री पता है क्या है दोस्तों? साला पकड़ कहाँ से लेते, यही नहीं समझ आता पकड़ा कहाँ से यार। कुछ और फीवर हो, वायरल फीवर हो, कुछ और हो तो समझ आ जाता, हाँ भाई तुझे हुआ था, कफ हो, खांसी हो तो भाई तुमने मेरे को दे दिया। लेकिन यार कोरोना समझ ही नहीं आता कोरोना पकड़ा कहाँ से। भाई मैं मास्क भी लगाता था, सैनिटाइजर भी यूज़ करता था, लेकिन अब हो गया, जो होना होता है वो तो होता ही है। अब छोड़ो, खड़ा देख यार, मैं आपको इसलिए बताने आया हूँ कि अगर आपको भाई कोरोना हो जाता है तो यार टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, चिल करो, रिलैक्स रहो। जितना ज़्यादा तुम भाई चिल करोगे, जितना रिलैक्स रहोगे, उतनी जल्दी तुम रिकवर होगे कोरोना से। अगर भाई तुम डरे कि भाई मुझे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कुछ मत सोचो, कुछ नहीं है। कोरोना हो गया भाई, तुम 15 दिन तुम्हारा है, मतलब भाई तुम 15 दिन जो मर्जी हो वो करो, लेकिन भाई रूम में रह के, एक ही रूम में आइसोलेट रहो। या तो तुम हॉस्पिटल में हो जाओ आइसोलेट, भाई अगर हॉस्पिटल में हो गए ना तो बता रहे यार फट जाएगी तुम्हारी, मत हो ना, क्योंकि यार वहाँ ऑलरेडी इतने सारे पेशेंट्स होंगे, ये होंगे वो होंगे। तो मैं तो सजेशन दूंगा यार, अगर तुम्हारे घर में एक्स्ट्रा रूम्स हैं तो यार तुम घर पे ही रहो, अपने घर पे आइसोलेट हो, क्योंकि यार देखो घर वाले तुम्हारे ज़्यादा अच्छे से ख्याल रखेंगे। इतना ज़्यादा कोरोना हॉस्पिटल में रहेगा, उसमें इतने सारे पेशेंट्स होंगे, तो हटाओ यार सब छोड़ो। अगर आपको भी हो जाता है तो यार मैं तो यही सजेशन दूंगा कि यार अब घर में ही रहो आइसोलेट, बाहर तो होना ही मत, तो कहीं भी हो लेकिन बाहर मत होना। तो यार वैसे मुझे एक क्या हुआ था पता है, मैं बताऊँ आप मेरे साथ कैसे हुआ था। एक दिन क्या हो रात में, मैं जब सोने गया ना तो वही रात के 2-3 बजे करीब मेरे को बहुत ज़्यादा ठंड लगने लग गई, और एसी भी ऑन था, मुझे लगा कि ना एसी कैसे ठंड लग रही होगी। फिर मुझे थोड़ा फीवर आने लगा, मेरा बॉडी पेन होने लगा, तो मुझे लग रहा था कि थोड़ा मेरा, मुझे लगा कि मेरे को वायरल फीवर हो गया होगा, इन्फेक्शन हो गया होगा। तो फिर मैंने था चिल्ली मारा, फिर मैंने सोचा नहीं यार मुझे कहीं कोरोना हो सकता है और घर में सब लोग हैं, तो मैं वहाँ से हट के आ गया। मैं आगे वाला एक रूम है तो उसमें आइसोलेट, मैं आगे वाले रूम में आ गया, वहीं पर रहा। तो फिर अगले दिन मैंने टेस्ट करवाया तो एंटीजन में भी नेगेटिव निकला था आई थिंक। फिर एक मेन टेस्ट होता है RT-PCR होता है, तो मैंने वो भी टेस्ट कराया तो उसमें पॉजिटिव आ गया। तो यार मेरे को तो फिर 15 दिन का लॉकडाउन मेरा हो गया, 15 दिन का छपैक हो गया लॉकडाउन। बस 15 दिन रहो, अब 15 दिन तुम्हारा है, 15-20 दिन जो है यार। मैं तो यार मेरा हो गया 8-9 दिन हो गया, मैं तो 8-9 दिन में रिकवर हो गया, क्योंकि यार मैंने इतना टेंशन नहीं लिया, चिल रहा मैं। ऐसा करो आप भी चिल रहना, एकदम चिल रहना, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा तुम अच्छा अच्छा खाओ, दवाई टाइम से लो, रेगुलर लो, विटामिन सी की गोली तो भाई तुम खाओ ही खाओ। और देखो यार सब टाइम तुम जंक फूड खाते हो, इस टाइम तो जंक फूड खाना ही मत, बिल्कुल मत खाना। मतलब जितना अवॉइड कर सको ना उतना जंक फूड अवॉइड करना। मतलब यार यार ये तो चलता है यार, अब तो मैं ठीक हो गया हूँ, थोड़ा सा तो पी सकता हूँ, लेकिन भाई मैंने भी जब मैं बीमार था तो मैंने नहीं पिया था, अभी पी रहा हूँ मैं 2 दिन से, क्योंकि मैं अब थोड़ा ठीक हो गया हूँ। तो वही मैं कहूँगा यार चिल करो, रिलैक्स करो, मज़े करो। लेकिन यार एक पता है मैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि तुम एक रूम में ना रह रहे के ना एक दिन तुमको सही लगेगा, 2 दिन सही लगेगा, उसके बाद ना तुम पगला जाओगे, अरे यार क्या हो गया यार, साला रूम में ही बंद रहो, तुम जा नहीं सकते, तुम साले बाहर नहीं जा सकते, ये नहीं कर सकते। लेकिन यार हम लोग को थोड़ा सा घर बाहर है, गार्डन वार्डन है, तो मैं तो मास्क लगा के बाहर भी घूम लेता था, छत पर ही घूम लेता था। तो यार तुम भी ऐसा कर सकते हो, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि मतलब तुम एक ऐसे बना दिया जाता है कि तुम अनटचेबल हो, तुमको साला कोई टच नहीं कर सकता, ऐसे हो जाते हैं पता है कि कोरोना होता है। ऐसे मत करना, ऐसे भी कोई इतना इतना बड़ा पता इशू नहीं है। पहले हम लोग यार टीनेजर है, जवान है, लड़के हैं यार हम लोग, जो जवान लोग हैं ना उनके लिए इतना प्रॉब्लम नहीं है। बस तुम वही है, विल पावर अपनी स्ट्रांग करो, जितना ज़्यादा हो सके ये सोचो यार कुछ नहीं है, चिल करो, रिलैक्स, एकदम रिलैक्स करो। थोड़ा सा मास्क पहन लो, तुम अपने हाथ में सैनिटाइजर लेके बाहर चले जाओ, थोड़ा सा बाहर वॉक कर लो, लेकिन यार दूसरों से दूर ही रहना, क्योंकि यार क्या पता तुम्हारे से दूसरों को इन्फेक्शन हो सके। यार मैं तो अगर मुझे बोरियत लगता था तो मैं छत पे चले जाता था, गार्डन था तो मैं गार्डन में घूम लेता था, वॉक कर लेता था, लेकिन वही है कि जैसे मैं जाता था तो मैंने दरवाज़ा ऐसे कर खोला, मैं उसको सैनिटाइज़ कर देता था, जितना दरवाज़ा था मैं ऐसे करके सैनिटाइज़ कर, आते टाइम भी सैनिटाइज़ कर देता था। फिर मैं अपने जो शूज़ या चप्पल होते थे जो भी होता था मैं बाहर ही उतार देता था, उसको भी सैनिटाइज़ कर देता था। फिर मैं अपने अंदर रूम में आ जाता था, मैं अपने मास्क को उतार के अपने डस्टबिन में फेंकता था, ये नहीं कि मैं कहीं भी बाहर फेंक दूँ, क्योंकि यार इस टाइम पे ना मास्क बहुत ज़्यादा होगा तुम्हारे, क्योंकि तुम्हारा इन्फेक्शन तुम्हारे माउथ में होता है, और उससे तुमने मास्क पहना तो मास्क में आएगा तुम, तो फिर वो मास्क को बाहर फेंकोगे, कोई और टच करेगा उसको तो उसको इन्फेक्शन हो सकता है। तो यार ट्राई करना कि जो मास्क है तुम अपने रूम में ही रखना, तुम्हारा मतलब जितना सामान हो ना वो अपने रूम में ही रखना, वो बाहर नहीं करो। जैसे मेरा खाना वाना भी होता था मैं क्या करता था,
खाना सब बनाते थे, किचन में बनता था खाना, तो वो लोग मेरे गेट के बाहर आके, गेट रहता था तो गेट के बाहर मैं टेबल रख दिया रह गया था, तो वहीं पे लोग खाना आके रख देते थे, फिर मैं वहाँ से खाना उठा लेता था, फिर मैं खा के प्लेट वहाँ रख देता, तो ऐसे किया जाता था, तो रूम में कोई आता नहीं था। और यार पता है मेरा एक हमारे घर में एक छोटा सा बेबी है यार, बहुत क्यूट है, इतना क्यूट है मतलब बता नहीं सकता। अब हम तो बहुत बेचारा, सबसे ज़्यादा पता है उसको बुरा लगा हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग के साथ रहता था, छोटा सा है, 3 साल का है, हम लोग को बहुत मिस कर रहा था यार वो, लिटरली घर में सबको हो गया था यार, आधे से ज़्यादा लोगों को हो गया था हमारे घर में, तो उस बेचारे ने हम बहुत सफ़र किया हम लोग के चक्कर में, लेकिन तब भी बच्चा है अभी समझ गया थोड़ा सा कैसा है वैसा है फिर, लेकिन हम वो बहुत मतलब हम लोगों को देख के पगला जाता था, हम लोग भी बहुत अच्छा लगता था, हम लोग वीडियो कॉल पे उसे बात करते थे, खूब मज़ा आता था, मैं भी बहुत ज़्यादा बोर होता था, वो भी बोर होता था, तो हम लोग वीडियो कॉल ऐसे कर लेते थे, मैं भी मार्क्स लगा के गार्डन में चले जाता था, फिर वो भी खिड़की से आके, फिर मैं उसके साथ खिड़की से बात कर लिया करता था, बहुत मज़ा आता था यार वही है यार। और तुम मतलब बोर हुए रूम में ही रहने तुमको यार, देखो अगर तुम आइसोलेट हो रहे रूम में ना यार, 3 चीज़ें तो कर ही लेना है, मेरे साथ मोबाइल तो होगा यार तुम्हारा, एक लैपटॉप भी ले लेना हो सके, टैबलेट ले लेना और टीवी ले लेना, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ भाई मैं बता दूँ, वाईफाई कनेक्शन ज़रूर रखना भाई, क्योंकि तुम्हारे फ़ोन में डाटा लगा लो सर तुम भाई ख़त्म हो जाएगा, 100 GB तुम यार आधे दिन में ख़त्म कर दोगे, 1 GB 2 GB मिलता है तुम सारे ख़त्म कर दोगे, इसका तुम पगलाते रहोगे, तो वाईफाई तो रखना ही रखना, क्योंकि यार देखो कुछ काम नहीं होगा, फ़ोन ही फ़ोन, फ़ोन टीवी वही है, फ़ोन पे तो वीडियो देखोगे, वही टीवी पे अमेज़न प्राइम लगा दो ना, नेटफ्लिक्स पे सब पे वीडियो सब देख लो, अमेज़न प्राइम सब पे मूवीज़ बहुत सारे आ चुके हैं सारी, मतलब मैंने तो खोल के देखा भाई, मैंने बहुत सारी, मेरे को इतना क्राइम मूवी इतनी पसंद है, मैंने क्राइम की मतलब ऐसी कोई वेब सीरीज़ नहीं होगी जो मैंने नहीं देखा होगा, मैंने सारी देख डाली यार भाई है, अपने आप को बस यार जितना चिल कर सकते ना उतना चिल कर, डरना तो बिल्कुल ही नहीं, कोरोना है कुछ नहीं है, इतना पहले की तरह कुछ नहीं रह गया यार, मेरा भी अब रिकवर हो गया, मेरे कल मेरा रिपोर्ट आया था, मेरा एंटीजन कल हुआ है तो उसमें नेगेटिव आ गया, लेकिन मेरा RT-PCR कल लेके गया, आज शाम रात में फिर कल सुबह को आ ही जाएगा, तो उसमें पता चल जाएगा मेरा नेगेटिव है कि पॉजिटिव, आई थिंक अब तो नेगेटिव हो गया हो, क्योंकि यार मुझे अब कुछ नहीं है, मैं एकदम नॉर्मल हूँ, फिट एंड फाइन हो गया हूँ, मुझे कुछ लगता ही नहीं है, स्टार्टिंग में बहुत बहुत प्रॉब्लम हो रहा था यार, 2 दिन तो मतलब बहुत फीवर आ रहा था, बॉडी पेन था, कफ था, सर दर्द, मतलब ये सब हो रहा था, लेकिन अब कुछ भी नहीं है, मेरा 2 दिन फीवर था फिर ठीक हो गया था, तो गाइस चिल करना, रिलैक्स रहना, कोरोना से डरना मत, मजे करना है यार, कोरोना में 15 दिन तो तुम्हारे हैं मान लो, जो मन है तुम भाई तुम 15 दिन करो, सच बता रहा हूँ, बहुत मज़ा आ रहा था, मज़ा तुम नहीं आया था यार, मैं बोर हुआ बहुत ज़्यादा, लेकिन तुम भी यार ट्राई करना कि ना बोर हो, सारा मूवी देख लो, पढ़ाई कर लो, क्या पता है गाइस बोलते हैं लोग कि पढ़ाई कर लूँगा 15 दिन, भाई बता नहीं सकते, मन नहीं करेगा तुम्हारा पढ़ाई पढ़ने का, अकेला एक तो इतना बोर हो गया, ऊपर से पढ़ाई देख के तुम मतलब मन ही नहीं करेगा, लेकिन तब भी मैंने थोड़ा मोटा पढ़ाई कर लिया जितना हो सका उतना, मैं पढ़ लिया था, लेकिन तुम भी पढ़ लेना यार, ओके गाइस तो चलता हूँ मैं यार, यहीं पर वीडियो ख़त्म करता हूँ, बस एक चीज़ कहूँगा, ये मत सोचना कि यार तुमको कोरोना हो गया तो दोबारा नहीं हो सकता, दोबारा भी हो सकता है, तो मास्क जरूर लगाना, सैनिटाइज़र जरूर आना, और 1-2 मीटर की दूरी तो सबसे बना के रखना यार, क्योंकि पता है यार अब मैंने सुन लो यार सुन, मेरे को तो मैंने तो न्यूज़ भी नहीं देख रहा था, सब लोग बता रहे कि बहुत ज़्यादा लोग केस बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ हो रही है, ये हो रहा है, तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम अच्छा अच्छा खाओ, अच्छा अच्छा दवाई खाओ, रेगुलर दवाई लो, एक टाइम टेबल अपना बना लेना यार, किस टाइम पर मुझे दवाई खाना है, इस टाइम पर मुझे सुबह 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 तुम फ्रूट्स खाओ, जूस खाओ, एग लो, जितना मतलब जितना विटामिन प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट ले सकते हो उतना अच्छा है, और ये मत करना कि रूम में हो तो मतलब मैं एक्सरसाइज कर लूँ ये कर लूँ, ये गलती मत करना यार, बिल्कुल अपने बॉडी को एकदम रेस्ट करना, कोई भी एक्सरसाइज कुछ मत करना, जितना अपने बॉडी को तुम रिलैक्स होगे ना उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा, उतना जल्दी तुम रिकवर होगे, ओके यार लाइक शेयर कर देना यार, और कमेंट करके जरूर बताना यार कैसा लगा वीडियो, या मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, अभी भी मेरा ठीक नहीं हुआ, मुझे नहीं पता मेरा कल या रात में आज रिपोर्ट आएगा RT-PCR तो पता चलेगा कि मेरा नेगेटिव है कि अभी भी पॉजिटिव है, मेरे को और दिन रहना है, मेरा हो गया 8-9 दिन हो चुका है शायद, सो गाइस देखते हैं क्या होता है कल, और गाइस ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताना है कैसा लगा आपको वीडियो, ओके ओके बाय बाय।